मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज बाद दुफिर भाखड़ा डैम का दौरा किया। इस मौके उन्होंने कहा कि भाखड़ा डैम का पानी पूरे कंट्रोल विच, किसी नूं घबराउण दी लोड़ नहीं। इस मौके उन्होंने पत्रकारां नूं कहा सनसनीखेज खबरां ना चलाउण, चंगी खबर है कि कोई भारी मीह की संभावना नहीं, कदे भी नहीं होया कि 9 फुट पानी 2 दिनों विच पहुंचया, नुकसान का जायजा चल रहा। इस मौके उन्हां दे नाल कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस भी सन। और उन्हां की कहा आओ सुनिए। पंजाब दे विच पिछले कई दिनों तो स्थिति हड़ां की जिहड़ी है, खास तौर पर सतलुज के नाल लगते इलाके, तो उधर सरदूलगढ़ का इलाका घग्गर के नाल छड़दे, उन्हां दे विच स्थिति जिहड़ी है वह उहदियां खबरां दिन रात तुसीं अपने कैमरे राहीं दिंदे हो। तां इक अज मीटिंग दे विच बड़ी खुशखबरी वाली गल ही मैं कहूँगा उन्हों कि मैं कहना चाहना थोड़े जरिए सारे पंजाबियों सारे जिन्हें भी सतलुज के ब्यास के जा आले दुआले के पिंड के लोग वसते हैं कि भाखड़ा जिहड़ा डैम है वो बिल्कुल कंट्रोल च है और कोई खतरे वाली गल नहीं, तो ना ही कोई इस तरह दी अफवाहां दे विच आओ, क्योंकि फेक न्यूज़ तो अफवाहां बहुत चलदियां ने। अज रात नूं खोल दिते जाणगे फ्लड गेट, भाखड़ा डैम दे खोल दिते गए हैं गेट, सतलुज रातों रात कर देगा मार, 900 पिंड रातों रात उजड़ जाएंगे, आने वाली है भारी तबाही। मैं थोनों भी थोड़ी जी बेनती कर दा, इस तरह के सनसनीखेज टाइटल ना दो, बिल्कुल कंट्रोल दे विच है भाखड़ा डैम। मेरे को फिगर पे ने कि 1680 का लैवल जिहड़ा वो जा सकता मैक्सीमम 1653 23 जुलाई तक 10 बजे तक का। सो ये हजे साढ़े को 26-27 फुट हैगा मार्जिन। और एक होर चंगी खबर यह है कि आने वाले 4-5 दिन तक पहाड़ों पर जा इधर पंजाब दे विच कोई बारिश की जा कोई भारी मीह की संभावना नहीं है। तो यह मतलब यह है कि जे इनटेक नहीं आऊगी तो जिहड़ा भाखड़ा डैम है जिहड़ा उहदे तो कुछ भी एक तुबका भी बद नहीं छड्डिया जाऊगा। मुख्यमंत्री साहब 21 सितंबर तक लास्ट जिहड़ी दी रीफिल दी जिहड़ी डेट दसी जाती हैगी, क्योंकि लगातार पिछले दिनों तो 2 फुट जिहड़ा करीब जिहड़ा भाखड़ा डैम दे विच पानी आ रहा है, लगता है कि महीने बाद सिचुएशन पैनिकी हो सकती या अंडर कंट्रोल ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहेगी, हालांकि कुदरत है, कुदरत कोई जोर नहीं चलता, लिखती तो जिन्हें मर्जी कानून बना लिए असी, पर जिन्ना 1 महीने च खास तौर पर रूपनगर जिले च जिन्ना 1 महीने च मीह पैंदा पैना चाहिए जुलाई के महीने, उन्होंने 2 दिन च पै गया जी। मतलब कदे भी नहीं होया, मैंने सैकटरी साहब ने दसिया, मैंने BBMP के घर दसिया, कदे भी नहीं होया कि 9 फुट पानी 2 दिन च आ जाए, कुदरत है। पर कोई गल नहीं, डैम जिहड़े ने इन्हां करके जिहड़ा साडा बचाव भी होया, क्योंकि बहुत 2.5 लाख दे लगभग तो 2.5 लाख क्यूसिक के लगभग तो कल्ला ना जिहड़ा भाखड़ा डैम है उन्हें रोकया होया। सो सतलुज के बिच पानी जा रहा है अगे हरीके पत्तन, हरीके पत्तन तो अगे जिधर पानी का बहा है नेचुरल है पाकिस्तान तक चले जाए। नुकसान होया है जी, क्योंकि नुकसान का जायजा चल रहा है, क्योंकि हजे फ्लड जारी ने, हजे पानी लोगों के घर चो खेतों चो निकलिया ने,
सो पहले ही असी कोई एवें अंदाजा ला के गल दस दिए, पर हाँ इन्ना कह के हजार करोड़ तो उपर, क्योंकि केंद्र सरकार वालों सिर्फ 208 करोड़ रुपया जारी होया। तुसी समझदे हो कि पंजाब नाल धक्का तां नहीं कर रहे केंद्र सरकार? असी असी लिख के देवांगे फसलां दा, असी लिख के देवांगे पशुआं दा, ठीक है, असी लिख के देवांगे सड़कां दा, असी लिख के देवांगे घरां दा, जिहड़े घर ढह गए सारा कुछ असी वेरवे बना के पूरा प्रोपरली असी होमवर्क करके असी केंद्र नूं लिख के देवांगे कि आ पंजाब दा नुकसान होया, सानूं इन्ने पैसे चाहीदे ने और पारदर्शी तरीके नाल वो पैसे बने। तुहाडीआं टीम्स ने चाहे प्रशासन की गल की जाए, तुहाडी पार्टी की जिहड़ीआं टीम्स ने उन्होंने भी बहुत वधिया काम किया नो डाउट, पर स्थाई हल जिहड़ा इह कहा जा रहा है कि हिमाचल की तर्ज के उपर सवान नदी नूं ते सतलुज नूं चैनलाइज किया जाए, ऐसा कोई प्रोजैक्ट आने वाले आने वाले दिन च? देखो जे आपां इन्हां नूं आपां हुण ऐस अज तो 20 दिन पिछे चले जाइए तो वीडियो आ रही सी कि 40 साल बाद पानी आया साडे खेतां च कस्सियां च सूहां च, वो ताइयों आया ना जे कस्सियां सूहे असीं साफ कर ले। कई पार्टियां विरोधी पार्टियां कहिंदे कस्सियां सूहे पहले साफ नहीं करे, उन्होंने तो कस्सियां सूहे देखे ही नहीं सी कि है कित्थे ने, वो तो सिर्फ सिंचाई के नाते घपले करते रहे, वो तो सिर्फ नहरां के नाते घपले करते रहे। सिंचाई घपला एक बहुत वड्डा घपला पंजाब च, पता है ना जां चल रही है। सो वो तो कृपा करके ना बोलन अज के मौके पर, ना बोलन राजनीतिकरण। एक मिनट मैं जवाब दे रहे, असीं आने वाले दिनों के जिहड़े बरसाती नदियां जां एस्केप रूट ने पुराने जी, वो सारे बंद होए पए ने, वो भी सानू पता लगे इस बार। कुछ कुदरती बहाव पानी का जिहड़ा वो कुछ सड़कां भी उच्चियां चकतियां, किसी ने घर उच्चे चक ले, है ना, तो सड़कां उच्चियां चकिया गई, वो साइफन छोटे रह गए, तो करके भी सानू बहुत जगह पर पता लगे कि पहली बार उन्होंने पिंडां च हड़ आया, क्योंकि उत्थे सड़क के थले जिहड़े भड़ोलियां दबियां वो नहीं उन्ना पानी खिंच सकियां, पर कुदरती बहाव पानी का जिहड़ा उन्होंने नहीं तोड़न दिता जाऊगा। तो आने वाले दिनों असं यही प्लैनिंग लगे हैं कि अगले साल सानू यह जी स्थिति का सामना ना। मतलब सवाल मेरा यह कि हिमाचल ने जो सवान नदी है वो पूरा चैनलाइज करता, जो किनारे से पक्के किए, हिमाचल ने पानी रोक लिया असं हिमाचल में कहने कि रोक लो जी, एक मिनट जी, वो कहें जी साडा BBMB 7.19 हिस्सा बनता, रोक लो जी, जो तो असी सिसमा रोक लो जी, वो जरा कुसल्ले डैम रोक लो जी, कुदरत है जी, तुसीं कुदरत दे नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते। पानी ने आना है, आके उन्हें पंजाब दी लंघना, असी चैनलाइज करना, पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, साडे कोल पानी इस्तेमाल हो जाता फसलों लई। सो असी अपनिया सतलुज अपना ब्यास असी अपनिया नहरां असी सारियां चैनलाइज करांगे, उन्हां दी बहुत साल हो गए सफाइया ही नहीं हुई, किनारे जिहड़े ने उह जिहड़े कमज़ोर हो गए। नवीं नहर एक नवीं नहर की साड़ी योजना चल रही है जिहड़ी राजस्थान नूं जांदी, उहदे इधरले पासे एक परले पासे तां जांदी है सरहिंद फीडर, एक उहदे इधरले पासे नवीं नहर, ते हज़ारां किलोमीटर असी भड़ोलियां जिहड़ियां थले पाइपां दब के खेतां तक असी नहरी पानी पहुँचाउण दा जिहड़ा उह टीचा मिथिया होया उह पूरा करांगे। बीबीएमबी अधिकारियां ने पानी ज़्यादा रिलीज़ करने वाले साहब बहुत वधिया काम कर रहे हैं, कोई उन्हां नूं विच नाल लै के कोई प्रपोजल तैयार हो रही है जी? क्योंकि सारे MLA सारे मंत्री साहबान सारे डिप्टी कमिश्नर सारे जिहड़े SSP साहबान सारा प्रशासकीय अमला जिहड़ा उन्हां नूं सख्त निर्देश ने कि अपने ऑफिस दे विच नहीं बहना, लोकां दे विच रहना, जो चाहिए वो उत्थे जाके उपलब्ध कराओ। कोई लड़ाई होंदी है, कोई बन पिछे लड़ाई हो गई, उत्थे पुलिस प्रशासन चाहिए कि एवं कोई अनसुखावी घटना ना हो जाए। सो मेरा काम है बतौर मुख्यमंत्री जाके मैं भी आया, मैं भी जिहड़ा सिचेवाल साहब को मैं भी जाके आया, तुसी बन ते जाके आया, फिरोजपुर जाके आया, पर मेरा काम है कि दोनों स्टेटा नाल गलबात करिए, हरियाणा नाल भी हिमाचल नाल भी, ते अज BBMB को आए हैं, यही बेनती करना है कि पानी जिहड़ा साडे इलाके बहुत मर गए, इस तरह के नाल तरीके नाल कंट्रोल रखियो कि कोई फ्लड गेट ना खोलने पैण, वो मुख्यमंत्री तौर पर मेरा फर्ज बनता, मैं निभा। मान साहब नंगर में आयो, बहुत बहुत स्वागत। सरकार तुहाडी दे हाकम वजीर बड़ी तनदेही नमे तरह काम कर रहे, पर कितना कितने जो गल करिए नंगल का भी पहले दौरा किया, भली भांति जाने हो, नीले पानी का भी जिक्र संसद किया, कदों बनेगा नंगल टूरिस्ट हब? देखो जी टूरिज्म डिपार्टमेंट नूं बहुत असीं कल भी मीटिंग लई है, आ एरिया खास तौर पर अगे धार हो गया, अगे रणजीत सागर डैम हो गया, बड़ा खूबसूरत एरिया, कुदरत ने बहुत नियमता बख्शी है। हाँ सो फिल्म सिटी की जी प्लैन है वो भी यही है कि आने वाले दिनों के नंगल, मैं जिस वेले पुल के थले एक रोड शो करना आया, हाँ जी, हाँ जी, टूरिज्म हब जी नंगल बन सकती है, बड़ी खूबसूरत है, कुदरत ने बहुत
खूबसूरती दी है नंगल नू, खास तौर पर पहाड़ी इलाका सड़ा ज भावें वह इधरों बीत का इलाका है भावें वह कंडी का एरिया है, तो असी सारे नू टूरिज्म हब के तौर पर जिते बड़े बड़े वधिया वधिया होटल होन वधिया वधिया जिहड़ियां टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेसिस होन ते पानी नाल संबंधित जो जिहड़ा वह चल रहा चमरौड़ देख के आए हैं बहुत ही कमाल है, रणजीत सागर डैम के उत्ते बहुत वधिया तरीके नाल असी हट्स बना रहे हैं, एक असी हुशियारपुर के फॉरैसट का जिहड़ा चौहाल है वह कल चल पिया उत्थे हट्स बना दिया। सो साडा मकसद यह है कि आ जिहड़ा अनटच पंजाब है जिहड़ा लोगों ने नहीं देखा पंजाब उस पंजाब नूं असीं दुनिया नूं दिखाईए ताकि लोग इत्थे आउण आके इत्थे जिवें आपां कहिंदे कि ये पंजाब तां गुरुआं दी धरती है इत्थे तां सारे अमृत इत्थे छकाया गया इसे सतलुज का पानी लैके अमृत बनाया गया 13 अप्रैल 1699 नूं गुरु गोबिंद सिंह जी वालों। सो ये जिहड़ा एरिया है ये चरण छोह प्राप्त धरती है इन तां वैसे बरकत है गुरुआं दी, सो इस एरिए नूं टूरिज़म दी हब बनाउणा साडा फर्ज़ भी है ते साडी ड्यूटी। फ्लड अफेक्टेड एरिया दे विच देखो मुआवजे जिहड़े ने उन्हां दा जदों ही साडे कोले असीं डिप्टी कमिश्नर नूं लिखिया होया क्योंकि हजे डिप्टी कमिश्नर जिहड़े ने उह फील्ड च ने जदों ही सानूं पता लग गया कि किन्नी झोने दा नुकसान हो गया किन्ना फसलां दा होर फसलां दा नुकसान हो गया किन्ना पशुआं दा किन्ना असीं उहदा डाटा बना के और पनीरी भी अवेलेबल है क्योंकि बहुत सारे एरिए जिहड़ा झोना उह लेट लगदा है सो पनीरी भी अवेलेबल करावांगे सारे अफसरां दी ड्यूटी लगी हुई है। हुण एक पासे मैं जो मैं जाना फील्ड च तो सारे डिप्टी कमिश्नर सारे अफसर जिहड़े ने मेरे आले दुआले लग जांदे आ तां फिर सारे काम रुक जांदे आ, सो मैं उन्हां नूं कहा कि तुसीं पहलां काम कर लो उस तों बाद आके जदों ही असीं पहलां वालिआं वांगू नहीं होइआ करदे इन्ने करोड़ दा नुकसान हो गया जी इन्ना मुआवजा जिन्ना होया नुकसान और उन्ना ही लवांगे तो उन्ना ही अगे देवांगे।